नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, एनआईए कोर्ट में आज पेशी होनी है सचिन वाजे की। आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है, वाजे को इस वक्त कोर्ट ले जाया गया है और बड़ी जानकारी एनआईए कोर्ट में दरअसल पेशी हो रही है सचिन वाजे की। और इस बीच ये भी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, रिमांड आज खत्म हो रही है और ऐसे में कोर्ट में पेशी है वाजे की और उसके बाद आगे की किस तरीके से जांच बढ़ानी है इस पर लेकर कोर्ट में किस तरीके की अभी तक रिमांड में लेने के बाद जांच चली वो कोर्ट के सामने यहाँ टीम को रखना होगा, उसके बाद ही आगे किस तरीके की प्रक्रिया निभानी वो देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कोर्ट में आज वाजे की ये पेशी हो रही है, आज रिमांड जो है वो खत्म हो रही है, जिसके लिए वाजे देखिए कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये पेशी शुरू होगी। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, वाजे को हम तस्वीरों में देख रहे हैं कोर्ट ले जाया जा रहा है, कितनी देर में पेशी शुरू होगी और क्या तैयारी है एनआईए की? अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि जो मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे, उन्हें अब मुंबई के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में भेजा जाएगा। सेशन कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और जिस तरीके से एनआईए लगातार उनके ऊपर सिकंजा कस रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी मुश्किलें बेहद बढ़ने वाली हैं। कल ही एनआईए ने सचिन वाजे और पूरे मामले पे यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत धाराएं को जोड़ा है, यानी कि टेरर एक्ट को उस पूरे मामले में जोड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध कार में जो जिलेटिन मिला था, एक्सप्लोजिव मिला था और साथ ही साथ धमकी वाली चिट्ठी मिली थी, उसी के आधार के बाद एनआईए ने यूएपीए लगाया है, पूरे मामले पे लगाया है, सचिन वाजे के ऊपर भी लगाया है। और जिस तरीके से सचिन वाजे पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सचिन वाजे की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इससे पहले जब एनआईए ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था तो 10 दिन की उन्हें कस्टडी मिली थी, अब उन्हें वापस कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो एनआईए पूरी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें पुलिस कस्टडी मिल सके। अमूमन जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें पुलिस जो भी जांच एजेंसी होती है वो मैक्सिमम 14 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकती है, लेकिन यूएपीए लगने के बाद जांच एजेंसी के पास जो पुलिस कस्टडी का समय होता है वो 30 दिन तक बढ़ जाता है, यानी कि एनआईए के पास 20 दिन का और समय है ताकि वो अपनी कस्टडी में लेकर एनआईए सचिन वाजे से पूरा पूछताछ कर सके। और जो संदिग्ध कार मामला है, मनसुख हिरेन का हत्याकांड है, उन दोनों में रिलेशन क्या है और इस हत्याकांड के पीछे के मोटिव क्या थी, संदिग्ध कार रखने का मोटिव क्या था, इसको खंगालने के लिए और पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए एनआईए पूरी कोशिश करेगी कि सचिन वाजे की ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके ताकि जो ये सवाल है उनसे पर्दा हट सके। अर्पिता, बिल्कुल, तो देखिए कोर्ट में अब से थोड़ी देर में पेशी होनी है, कोर्ट ले जाया जा रहा है वाजे को और अब कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले। और विवेक, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले 10 दिन की कस्टडी जो कि आज खत्म हो गई, अब यूएपीए लगने के बाद 30 दिन की रिमांड मिल सकती है, एनआईए ने इस दिशा में क्या सोचा है, कितने दिन की रिमांड कोशिश रहेगी एनआईए की? देखिए अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब दो मामले एनआईए के पास है। पहला मामला संदिग्ध कार से जुड़ा हुआ मामला है जो एनआईए 10 दिन पहले से जांच कर रहा था, दूसरा मामला मनसुख हिरेन हत्याकांड से, जो एनआईए को कल ही ऑफिशियली थाने कोर्ट की तरफ से ऑर्डर करने के बाद एनआईए को ट्रांसफर किया गया है। तो यानी कि दोनों मामले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उसको लेकर एनआईए जांच कर रही है। एनआईए ने पहले ही 10 दिन की पुलिस कस्टडी ले चुकी है और 10 दिन की पुलिस कस्टडी में जो संदिग्ध कार का मामला था कि कार कहां से आई, जिलेटिन उसमें कहां से रखे गए, कौन इसके पीछे था, इसकी जांच कर रही थी। लेकिन अब मनसुख हिरेन की हत्याकांड का मामला भी ऑफिशियली एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। अमूमन तौर पर जो नॉर्मल धाराएं लगती हैं, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती है, लेकिन एनआईए ने कल ही मनसुख सचिन वाजे केस में संदिग्ध कार मामले में और सचिन वाजे के ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लगाया है, आतंकी यानी टेरर एक्ट लगाया गया है, तो उसमें जो पुलिस कस्टडी होती है वो बढ़कर 30 दिन की हो जाती है। ठीक है विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी, इस समय की बड़ी खबर, मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और ये दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिखाई दे रही कार सचिन वाजे की है जो एक रेड लाइट पर सिग्नल पर रुकती है। दावा ये किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मनसुख हिरेन कार में आकर बैठता है और दोनों इसी गाड़ी में आगे निकल जाते हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि ये सीसीटीवी वीडियो 17 फरवरी का है और इस गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुकी है, बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी इसके सामने आई। 17 फरवरी की तस्वीर जहां पर ये गाड़ी जिसको बताया जा रहा है सचिन वाजे इसको ड्राइव कर रहे थे और वहां मनसुख हिरेन पहुंचता है, गाड़ी के अंदर बैठता है और उसके बाद दोनों आगे चले जाते हैं। तो ये 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, एटीएस ने पहले ही कार जब्त कर ली थी।
एटीएस सूत्रों के मुताबिक हत्या से एक दिन पहले सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन को अपने दफ्तर बुलाया था। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक मनसुख ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि किसी तावड़े नाम के शख्स ने फोन किया और बाहर बुलाया। एटीएस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मनसुख हिरेन को बेहोशी के बाद थाने के क्रीक में फेंका गया था, जिसके बाद पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने सरकार से फोन टैपिंग की इजाजत ली थी, लेकिन यह इजाजत आतंक से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए मांगी गई थी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर कि महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि इसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन भी रिकॉर्ड करवाए थे और आज महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे इस समय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुंटे की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री को बताया गया है कि फोन टैपिंग की इजाजत लेने के लिए उन्हें गुमराह किया गया। मुख्य सचिव का दावा है कि जिन नंबरों की टैपिंग की इजाजत दी गई उसके अलावा भी कई नंबरों की टैपिंग की गई। जिस समय फोन टैपिंग की इजाजत दी गई थी उस समय सीताराम कुंटे ही अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं वहां बैठा था तब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इसके बारे में मुझे आपकी तरफ से रिपोर्ट चाहिए। तो अब सीएम साहब राज्य के प्रमुख के नाते हर एक ऑफिसर को आदेश दे सकते और वो खुद सीताराम कुंटे जी, तब जब ये लेटरबाजी हुई तब एसीएस होम थे और एसीएस होम के नाते उनको इसके बारे में सब मालूमात है और अभी वही सीताराम कुंटे राज्य के चीफ सेक्रेटरी है, इसीलिए सीएम साहब ने उनको आदेश दिया है। तो जहां अब ये सवाल उठ रहा है कि टैपिंग की इजाजत आखिरकार किसने दी, उस पर जांच हो रही है, एक रिपोर्ट बकायदा सीएम को देनी है। वहीं पर जो सीसीटीवी अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था 17 फरवरी का, जहां पर मनसुख हिरेन सचिन वाजे की कार में आकर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक हमारे साथ इस वक्त उसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, उस समय जो सीसीटीवी 17 फरवरी के सामने आई उसमें क्या दिख रहा है और उसके बाद वो कार कहां गई, कुछ और सुराग आगे हाथ लगाओ। देखिए अर्पिता, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक जांच एजेंसियों ने सचिन वाजे की 5 लग्जरी कारों को जब्त किया है, जिनमें से एक कार एटीएस ने जब्त की थी और बाकी जो 5 कारें हैं वो एनआईए ने जब्त की है। इनमें से 5 कारों में से 2 मर्सिडीज, 1 लैंड क्रूजर, 1 वॉल्वो, 1 इनोवा और 1 स्कॉर्पियो कार है। इन छह कारों को जांच एजेंसी ने सीज कर लिया है। उनमें से एक कार जो है, जो वॉल्वो है, जो एटीएस ने अपने सीज की थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये फुटेज 17 फरवरी की है और एटीएस दावा कर रही है कि ये जो मुंबई के वीटी इलाके की सीसीटीवी है वहां पर एक वॉल्वो नीले रंग की गाड़ी आके सिग्नल पर रुकती है, बीचों बीच सड़क पर रुकती है। कुछ देर तक रुकने के बाद उसमें मनसुख हिरेन साफ तौर पर दिख रहे कि मनसुख हिरेन आते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं और अंदर बैठते हैं और गाड़ी चली जाती है। एटीएस का दावा है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है उस गाड़ी में जो वॉल्वो गाड़ी है उसकी जो ड्राइवर है वो सचिन वाजे ही ड्राइव कर रहे थे। मनसुख हिरेन फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद जब जांच की गई तो ये सीसीटीवी के आधार पर ये वॉल्वो गाड़ी दमन से एटीएस ने जब्त की है और उस गाड़ी के अंदर से कई अहम एटीएस को मिले हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच हो रही है, लेकिन अब पूरा मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि जो भी अब एविडेंस है एटीएस के पास से, जो पंचनामा था, जो पीएम रिपोर्ट थी, जो गाड़ी सीज की गई है और जो गाड़ी के अंदर सामान मिला है, वो सब एनआईए को दे दिया गया। अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है, विवेक रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के मुद्दे पर बीजेपी और राज्य सरकार की, ठाकरे सरकार के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता मनोज कोटक के मुताबिक जिन लोगों ने सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी पर उद्धव सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि रश्मि शुक्ला ने गलत तरीके से फोन टैपिंग करवाई थी। महाराष्ट्र में जो है वो राजनीति तेज होती जा रही है। आईपीएस अधिकारियों के ऊपर फोन टैपिंग इलीगल तरीके से करवाने का आरोप लगे। मनोज कोटक जी हैं जो कि पिछले कई दिनों से मुखर रहे हैं। सर, ये बात सामने आई कि जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वह फोन टैपिंग, रश्मि शुक्ला जी का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का फोन टैपिंग उन्होंने किया है, उन्होंने पूर्वक
परवानगी लेकर गृह सचिव हो या जिस तरह का एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है कि सभी परवानगियों को लेकर उन्होंने किया है। मामला भ्रष्टाचार का बनता है, विसल ब्लोअर के ऊपर कार्रवाई करना, जिन्होंने मामले सामने लाए उन पे कार्रवाई करने के महाराष्ट्र की कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री अपना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो मामले सामने आए हैं जिसके अंदर भ्रष्टाचार में बदलियों में लिप्त अधिकारी और राजनीतिज्ञों के साठ गांठ का पर्दाफाश हुआ है उस पे बोलने कोई तैयार नहीं होता है। आप रश्मि शुक्ला पे तो कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन जिन भ्रष्ट अधिकारियों के मामले में और जिस भ्रष्ट राजनेताओं के मामले, सवाल जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि तबादले में पैसे लिए गए, रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा था। रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है, जब उन्होंने रिपोर्ट दी तब तक कुल मिला के 10 आईपीएस के ट्रांसफ़र हुए थे और जो रिपोर्ट में था उसमें एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ये सच्चाई है। लेकिन विपक्ष का काम था कि अधूरी जानकारी के नाम पर केंद्रीय गृह सचिव को मिल रहे हैं, राज्यपाल महोदय को मिल रहे हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है। हमें लगता है रश्मि शुक्ला के विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि जो भी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट है, जो फ़ोन टेबिंग का मामला है, उस पर रिपोर्ट मांगी है। हमें लगता है रिपोर्ट आने के बाद उसमें भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ़ोन टेपिंग वाले मामले में सरकार कह रही है कि वो गलत तरीके से फ़ोन टैपिंग की गई, उसमें कोई भी इस तरीके की परमिशन नहीं ली गई थी, बीजेपी कह रही है कि 6.3 GB का डेटा है, इसमें बहुत सारे मंत्री और नेता फंसने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं डाइवर्जन किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई परमिशन लेके टैप किया गया तो अच्छी बात है, वो भी जांच में सामने आएगा। गृह सचिव उस समय जो ACS होम थे, आज वो चीफ सेक्रेटरी हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस बीच जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बीजेपी तो अब सही सवाल उठा रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिसने मुखबिरी की आप उस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे खेल खेल रहा है उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है। देखिए, सवाल यही है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि बात टैप से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, वॉइस टैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था और हो रहा है क्या, क्योंकि फोन टैपिंग किसकी भी है, गलत है सही है वो इंक्वायरी अलग है, लेकिन बीजेपी की डिमांड है कि सरकार ये बात माने कि हाँ सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए और दिए जा रहे थे। और अब जब आज मुख्य सचिव को रिपोर्ट पेश करनी है, आज मुख्य सचिव रिपोर्ट पेश करने के बाद बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये लिखते हैं कि ये दूसरे कामों से लिया गया था, ये पूरा टैपिंग का मामला और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला को कल्प्रिट करके सरकार उनके ऊपर एक्शन करेगी, क्योंकि सरकार ने कल ये साफ कर दिया अपनी मीटिंग में। पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद कोर ग्रुप और सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई, सब में ये साफ हो गया है और सभी मंत्रियों ने CM को कहा है कि ये गलत चीज़ है, सरकार के मंत्री अगर काम कर रहे हैं और उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है तो इससे बुरी बात नहीं है और ऐसे में उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इसका आदेश दिया है या जो फ़ोन टैपिंग करवा रहा था। यानी सरकार आक्रामक मूड में है, सरकार की कोशिश है कि जो करप्शन का डैमेज कंट्रोल है वो फ़ोन टैपिंग से किया जाए और फ़ोन टैपिंग के जरिए जो मुद्दे हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर अभी भी बीजेपी ये कह रही है कि केंद्र की जांच एजेंसी CBI इस पूरे मामले में जांच करे तो बेहतर होगा। ठीक है अभिषेक, आप रहिए जरा साथ। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच रिटायर्ड जज की कमेटी से करा सकती है और ये बताया जा रहा है कि इस जांच का ऐलान आज ही किया जा सकता है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और इस बीच खबर ये कि महाविकास आघाड़ी के नेता राज्यपाल के सचिव से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल 27 मार्च तक महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता जल्द ही राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। नवा भाई, आप लोग खुद CM से मिलने गए थे, जिस तरीके के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं या गृहमंत्री के ऊपर लग रहे हैं, उसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है? देखिए, ऐसा सारे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, चाहे विपक्ष लगा रहा है चाहे कोई अधिकारी लगा रहा है।
दो विषय उभर के सामने आए कि एक पूर्व आयुक्त जो हमारे परमवीर सिंह जी हैं, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से गृह मंत्री के बारे में कुछ गलत आरोप लगाए। वो तथ्यहीन है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं। गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो कल मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के राम कदम का दावा है कि आज नहीं तो कल गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना ही होगा। दूसरी तरफ शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने अनिल देशमुख का बचाव करते हुए दावा किया कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। गरीबों के हितों की रक्षा में, राज्य के हितों की रक्षा में जिन अफसरों ने काम किया उन पर कार्रवाई, और जो दोषी मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं वे अभी भी अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके उनका काम चल रहा है, ना वे इस्तीफा देंगे ना वो जनता के सवालों का जवाब देंगे। झूठ को बहुत लंबी आयु नहीं होती। महाराज सरकार के दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है, एक्स पुलिस कमिश्नर ने तो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को, और जो एलिगेशन किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में किसने पानी मिलाया है परमवीर सिंह के वो भी पता चल जाएगा। लेकिन राउत साहब, जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक गृह मंत्री को कोई जरूरत रहने की जरूरत? महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शक है, मुख्यमंत्री की निगरानी भी होती है ऐसे कामों पर, तो मुझे लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। विवेक हमारे साथ मौजूद है, और विवेक, अभिषेक के पास कोई अपडेट है? विवेक मैं आऊं आपके पास जल्दी से, पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए सूत्र बता रहे हैं, अभी हमारी कुछ मंत्रियों से बात हुई जिसमें ये साफ हो गया है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। सरकार ने ये मन बनाया है कि जब तक इस पूरे मामले में कोई बहुत ठोस सबूत सामने नहीं आते तब तक इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि अनिल देशमुख ने अपनी जो सफाई दी है, कल कैबिनेट में सफाई दी है, उसके बाद मंत्रियों के कोर ग्रुप में सफाई दी है जिसमें सीएम खुद मौजूद थे, और सभी लोग अनिल देशमुख की सफाई से संतुष्ट है। हालांकि जिस तरीके का करप्शन का मामला है, सामने जनता है महाराष्ट्र की करीब 11 करोड़, और ऐसे में उनको पता है कि ये फेस करना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, और वो भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस का। तो लेकिन इंटरनल खबर ये है कि सभी मंत्रियों ने कहा है कि फिलहाल किसी को इस्तीफा देने की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। रामदास आठवले ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया। रामदास का दावा है कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मामला गंभीर है, इसलिए सरकार को बने रहने का हक नहीं है। सचिन वाजे को अनिल देशमुख बोलते हर महीने को 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी मांग मैंने आरपीआई की तरफ से एक मेमोरेंडम देकर मैंने महामहिम के पास की है। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, और विवेक देखिए वाजे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कोर्ट में अब क्या पेशी शुरू हो चुकी है उस पर अपडेट दीजिएगा, और रिमांड जिस तरीके से आपने बताया यूएपीए लगने के बाद 30 दिन के रिमांड एनआईए को मिल सकती है, आज क्या और जानकारी मिल रही है? हाँ अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में एनआईए पूरी कोशिश करेगी कि जो मुंबई के सस्पेंडेड एपीआई हैं सचिन वाजे, जो एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी ले सके, ताकि जो अभी तक देखिए संदिग्ध कार मामला जो एनआईए जांच कर रही है, अभी तक मोटिव नहीं पता चल पाया कि आखिरकार वो क्यों रखा गया था। दूसरी तरफ मनसुख हिरेन की हत्याकांड के पीछे सचिन वाजे का क्या रोल था, हालांकि 2 आरोपी इसमें एटीएस ने गिरफ्तार किए थे, उन दोनों आरोपियों एनआईए की कस्टडी में ले लिए गए। मनसुख हिरेन हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, मोटिव क्या थी, आखिर क्यों सचिन वाजे और जो सचिन वाजे को आरोप लग रहे हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने रची थी और उसकी हत्याकांड उन्होंने नहीं करवाई थी, तो एनआईए ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार दोनों केसेस के मोटिव क्या है। यही वजह है कि 10 दिन पुलिस कस्टडी मिलने के बाद एनआईए एक बार फिर से पूरी कोशिश कर रहा है और रिमांड लेने की कोशिश करेगा, कोर्ट से मांग करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी सचिन वाजे और बाकी आरोपी को मिल सके, ताकि दो केस के जो मोटिव है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए उन मोटिव का खुलासा कर सके एनआईए। अर्पिता,
बिल्कुल रही जरा आप साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए, कैदी को भगा कर ले जाने में कामयाब रहे। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मार गिराया गया, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। दरअसल स्कॉर्पियो कार में 5 बदमाश इलाज के लिए अस्पताल लाए गए, अपने साथी को छुड़ाने के लिए आए थे। बदमाशों के पास मिर्च पाउडर था, जिसे पुलिस की आंख में फेंक कर कैदी को भगा ले गए। दरअसल कुलदीप वज्जा नाम का बदमाश तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद था, जिसे इलाज के लिए आज जीटीबी अस्पताल लाया गया था। और इसी दौरान स्कॉर्पियो कार से आए बदमाशों ने पुलिस पर मिर्च पाउडर से पहले हमला किया और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। साढ़े 12 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था, अभी वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफर हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में, उसको दिखवाया गया है। और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमिडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है, जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, ये मुठभेड़ कब हुई और उस वक्त जो चश्मदीद वो क्या बता रहे हैं, जरा उनसे अगर आपकी बात हुई तो वो भी बताइए। जी देखिए, 12:30 बजे का पूरा एक घटनाक्रम था। और देखिए, मैं आपको एक और क्राइम स्पॉट दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो होमगार्ड और पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर चौक से मार्क कर रखा है, ब्लड के निशान है। यहाँ पर भी बदमाशों ने फायरिंग करी है और मेरे कैमरामैन पंकज आपको दिखाएंगे, यहाँ से जो सीधा रास्ता जहाँ पर आप फायर हाइड्रेट लिखा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट में एक बदमाश को 3rd बटालियन ने ढेर कर दिया। यहाँ से भागने की बदमाश कोशिश कर रहे थे। बता दें कि पूरे अस्पताल के करीबन 10 से 12 गेट हैं, तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि बदमाश कहाँ से घात लगाकर अंदर पहुँचे। और देखिए, मैं आपको एक और क्राइम स्पॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर स्त्री रोग एवं आपातकाल इमरजेंसी का यहाँ पर एक पूरा वार्ड है और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी फायरिंग हुई है 2 राउंड। यहाँ पर चौक से पुलिस ने मार्क कर रखे हैं, किस तरह से बदमाश बेखौफ थे और भीड़ भाड़ वाले अस्पताल में पहुँचते हैं जहाँ पर लगातार मरीज और उनके तीमारदार मौजूद होते हैं और वो कुलदीप फज्जा को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल हुआ और अस्पताल प्रीमाइसेस के कई सीसीटीवी कैमरे हैं। जो मौका वारदात जहां पर हुई, वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस को नहीं मिली है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा था और इसलिए बदमाश उसका फायदा उठाकर यहां से भाग गए। और अर्पिता, देखिए यहां से जो रास्ता जा रहा है आगे, जहां पर नो पार्किंग लिखा है, यहां से राइट में ओपीडी है जहां पर इलाज कराने के लिए 3rd बटालियन कुलदीप फज्जा को लेकर आई थी। लेकिन जिस तरह से व्हाइट स्कॉर्पियो, जिस पर पुलिस लिखा हुआ था, जिसका नंबर फर्जी निकला, उसका इस्तेमाल हुआ, हरियाणा नंबर की एक बाइक का इस्तेमाल हुआ, हरियाणा दिल्ली पुलिस ने टीमें भेज दी हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि एक सरकारी, एक भीड़भाड़ वाले अस्पताल में आखिर बदमाश कैसे दाखिल हुए और उन्होंने एक कुख्यात बदमाश को आखिर छुड़ाने में कामयाबी कैसे हासिल करी। क्या मंडोली जेल से ही पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, क्या पहले से ही 3rd बटालियन के आने का अंदेशा बदमाशों को था, या किसी ने मुखबरी करी थी कि बदमाश अंदर तक पहुंचते हैं। 12 राउंड से ज़्यादा फायरिंग होती है, कुलदीप फज्जा को मौके से फरार करवाया जाता है, एक बदमाश ढेर हो जाता है और एक बदमाश अभी भी घायल है। पुलिस का कहना है, ठीक है आनंद, जरा रहिए, हम आपको उस कार को अब दिखाने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल कर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, ये वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें बदमाश आए थे और सबसे बड़ी बात, इस पर पुलिस लिखा हुआ है। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी बनकर इस्तेमाल किया इस पूरी वारदात को। और आप देख सकते हैं, ये स्कॉर्पियो जो है, इसके जो नंबर है, इसका नंबर जो है DL4CNB5751, ये नंबर फर्जी है दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन जो बाइक का नंबर है वो ट्रेस हो गया है, वो बाइक जो है वो हरियाणा की थी। और देखिए, पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है
बदमाश यहाँ पर आए। एक और चौंकाने वाली बात कि अस्पताल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए कोई फुटेज उन्हें हाथ नहीं लगी है। यार जाहिर तौर पर प्री प्लानिंग से ये पूरी वारदात हुई है, ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, ये पूरा शूट आउट हुआ है। जिस तरह से बदमाश घात लगाकर कुलदीप फज्जा को छुड़ाने अस्पताल के अंदर पहुँचते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी का रहस्य जो है वो खुल चुका है। ये गाड़ी बदमाशों ने इस्तेमाल करी, इस पर पुलिस लिखा हुआ था। ये गाड़ी कहाँ से आई और ये गाड़ी किसकी थी, अब ये जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में अचानक हुए इस मुठभेड़ से आसपास के लोग दहशत में आ गए। वारदात के वक्त मौजूद ऐसे ही एक आदमी से न्यूज 18 ने बात की। जीटीबी अस्पताल इनकाउंटर के एक आई विटनेस हमारे साथ हैं। क्या देखा था आपने? मेरा नाम विनोद कोहली है। मैं अपना कैंसर की दवाई लेने के लिए आया था वहाँ से फिर कहने लगे आप आगे चले जाओ। मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगा, इधर से हम यहाँ पे खड़े थे, ऑटो की इंतजार कर रहे थे हम। इधर से दो जने आए भाग के, एक लेडीज थी एक जेंट्स था और उसके साथ में उसकी मदर थी, और उनको धक्का मार के और उनकी बाइक छीन के ले गए और फायरिंग करी है, वो गोलियाँ पड़ी हैं वहाँ पर। और कितनी देर तक फायरिंग होती रही? बस ज़्यादा 2-3 मिनट 5 मिनट करी होगी। उन्होंने बस इससे बस धक्का दे के उनके लेके भाग गए वो। अफरा तफरी मच गई होगी? हाँ, अफरा तफरी एकदम, सारे एकदम ने जो फायरिंग करी एकदम भागम भागा हो गए, यहाँ पर सब भाग गए यहाँ से।